इंडिया टीवी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पेश है एंटरटेनमेंट जगत की 5 बड़ी खबरें। तापसी पन्नू ने पैपराजी के साथ की जमकर बहस, शादी करने जा रहे हैं ऋचा चड्ढा और अली फजल। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तापसी पैपराजी पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं। वायरल हो रहे वीडियो में तापसी पैपराजी के साथ जमकर बहस करती हुई दिख रही हैं। दरअसल तापसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी, वहां काफी वक्त मीडिया उनका इंतजार कर रही थी। पैपराजी ने तापसी के पहुंचते ही उनसे रुकने के लिए बोला, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तापसी बिना रुके चलती ही जा रही है। थोड़ी आगे पहुंचकर एक्ट्रेस ने एक कैमरामैन को जवाब देते हुए कहा, चिल्लाइए मत, तमीज से बात करिए। ऋचा चड्ढा और अली फजल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक ऋचा चड्ढा और अली फजल ने इस सितंबर में शादी करने का मन बनाया है। कपल शादी का रिसेप्शन मुंबई में ही देगा, जहां सभी सितारों समेत 400 मेहमानों को शामिल किया जाएगा। ऋचा और अली की शादी का रिसेप्शन ग्रैंड होने वाला है। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और अरसलान गोनी अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अरसलान ने बताया कि ये खबर पढ़कर वो काफी हैरान हो गए और खूब हंसे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ये खबरें कहां से आई और आखिर किसने फैलाई है। मराठी सिनेमा इंडस्ट्री के अभिनेता प्रदीप पटवर्धन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। हिंदी और मराठी सिनेमा की एक्ट्रेस सुप्रिया सुले ने भी इस खबर को कंफर्म किया है और ट्विटर पर सीनियर एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ सोशल मीडिया पर प्रदीप के फैंस और साथ में काम करने वाले कलाकार दुख जता रहे हैं। करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें अर्जुन कपूर और सोनम कपूर साथ नजर आ रहे हैं। करण सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए अर्जुन कपूर से सवाल करते हैं कि उन्होंने मलाइका अरोड़ा का नाम अपने फोन में किस नाम से सेव किया हुआ है। इस सवाल का जवाब देते हुए एक्टर कहते हैं, उन्हें मलाइका का नाम काफी पसंद है, इसीलिए वो उन्हें मलाइका ही बुलाते हैं। ऐसी ही बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए सुनते रहिए इंडिया टीवी पॉडकास्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।